फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो बज गए हैं 9, मैं फटाफट उठ गई हूँ और मैं सोई थी 4:30, उठ गई हूँ 8:30 ही उठ गई थी वैसे तो। 9 बजे बेड छोड़ा है, इतनी नींद आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बस मैं फटाफट किचन में जाके बना आई हूँ आलू गाजर मटर और परांठे बना कर आई हूँ दोनों के। लंच पैक कर दिया है, फ्रूट्स पैक कर दिए हैं, बस पानी रहता है। और रात को मैं सो लेटी अपने ब्रेक में, मैंने अपने हिप एरिया के पास अपना वो रख लिया चश्मा कि मैं पक्का याद से उठा लूँगी। और जैसे ही मैं एकदम से उठी, ब्रेक ख़त्म होती, चश्मा बोला चटाक, आप ये देखो ये टूट गया। इसका एक डंडा अब है ही नहीं और मैंने इसका देख भी लिया, ये एक डंडा लगेगा भी नहीं अब क्योंकि पेच से टूटा है। तो मैं देखती हूँ इसका क्या करना है, अभी ही बनवाया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। एनीवेज टूट गया, अभी मैं इसको ऐसे रख के काम चला रही हूँ। और मेरी चीतू भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग चीतू, गुड मॉर्निंग करते हैं सबको बेटे। जो प्रिंसेस होती है ना वो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। बच्चा तो नंगू बाबू टावल में, अभी जल्दी ब्लैंकेट भी कर लो जब तक मम्मा स्कूल ड्रेस निकाल ली है, ऐसे कर लो। तो बस मैं सीरत को फटाफट कपड़े पहना देती हूँ, इसको रेडी करती हूँ और फिर इसको चीटू जाएगी स्कूल। तो बस नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, नहा के भी फ्री हो गई हूँ और नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बट सोच रही थोड़ा सा काम कर लेती हूँ उसके बाद सो जाऊँगी। तो बस मैं ये सारे गर्म कपड़े संभाल रही हूँ, सीरत के सारे इन द सेंस जो इतने मोटे वाले हैं उनको संभाल रही हूँ और जो लाइट वेट जैकेट्स हैं उनको मैं भारी रख रही हूँ क्योंकि अभी ठंड प्रॉपर तरीके से गई नहीं है। तो जो नॉर्मल मतलब इतने मोटे वाला स्टफ़ रख रही हूँ और जो इससे थोड़ा सा मीडियम आता है जो शुरुआती गर्मी सर्दियों के लिए होता है वो वाले बाहर रखे हैं। तो बस फटाफट काम ख़त्म करती हूँ, सारा बेड में सारा सामान रखूँगी, उसके बाद थोड़ी देर सो जाऊँगी आराम से। तो गाइस 4 बज गए, आँखों में बहुत ज़्यादा नींद है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। मैं जस्ट उठी थी कि 7 बजे जॉब है, चाय वाय पी लेते हैं और सीरत को बेसिकली टॉयलेट वगैरह कराना था। देखा तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पैर में दर्द है, मम्मी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला था कि आप जल्दी से ऑपरेशन करा लेना और ये बात बोले हुए डॉक्टर को 1 हफ्ता हो गया, बट प्रीति दीदी साफ मना करके गए थे कि मेरे पीछे से कुछ नहीं कराना, मैं आऊँगी तब कराना। हमने बहुत बोला कि करा लेंगे बट वो नहीं माने, बट अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। मम्मी को दर्द हो रहा है, हमने डॉक्टर को दोबारा फ़ोन किया, डॉक्टर बोल रहा है पेन किलर का इंजेक्शन उस दिन ही लगाया था, दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि जब ऑपरेशन ही आखिरी सॉल्यूशन है तो फिर क्यों ऐसे तुमने इतना वो डिले करना है। तो अब मैंने सोचा है कि वही कराऊंगी और कुछ भी प्लान वगैरह नहीं है। तो अभी अंकित वहाँ पे है अपने वहाँ पे मॉल में, तो अब बस मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ, होपफुली मैं 7 बजे तक मम्मी को वहाँ पे एडमिट करा के आ जाऊँ। ये देखती हूँ डॉक्टर ने जो भी बेस्ट रेजोल्यूशन दिया वही करेंगे। फिलहाल मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ, सीरत को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि पीछे से आपको पता है कोई भी नहीं है। अंकित ने बोला है कि अभी वो एकदम से नहीं आ सकते तो अंकित को भी आने में 1.5-2 घंटा लगेगा, तब तक मैं हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल में देखती हूँ क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। उसके बाद मैं अंकित को, जब मैं वहाँ से निकलूँगी तब मैं अंकित को वहाँ पे जाने के लिए कॉल कर दूँगी क्योंकि एक बंदा घर में भी बच्चे के साथ चाहिए और एक मम्मी के साथ भी चाहिए, तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो देखते हैं कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो ऑटो मैंने बुक कर दिया है, फटाफट ऑटो आ रहा है और अब मैं फटाफट निकल रही हूँ घर से, आपसे मिलती हूँ बाद में एक अपडेट के साथ कि फाइनली क्या हुआ और कैसा क्या। तो सीरत कर रही है अपनी दादी के लिए प्रेयर्स, चलो हो गया, आ जाओ आ जाओ। ठीक कर दो, कर देंगे, आ जाओ, बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं, वाहेगुरु जी, खड़े हो जाओ। तो बस मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी, अकेले बहुत मुश्किल है यार बच्चे के साथ, बट करना है। सीरत आ जाओ बेटा आ जाओ, सीरत बिल्कुल भी रेडी नहीं है दादी दादी को छोड़ के जाने के लिए। सीरत सीरत शूज पहन के नहीं जाती। तो बस मैं करती हूँ एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी, तो मैं भी घर जाती हूँ, मेरी जॉब भी है, सर ये एडमिशन। तो अभी मम्मी को लगा दिया है उन्होंने पेन किलर का इंजेक्शन गोडों में। मम्मी को अब यहाँ पे मैंने मतलब एडमिट कर लिया है इन लोगों ने, तो मम्मी को छोड़ के अब मैं जा रही हूँ क्योंकि जॉब का टाइम हो रहा है। अभी मम्मी फिर भी बेटर है काफ़ी, क्योंकि अभी मम्मी को उन्होंने दिया है पेन किलर का इंजेक्शन, अगर इससे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, अगर दोबारा मम्मी को दर्द होता है तो फिर हमें डॉक्टर कॉल करके बताएगा कि आगे क्या करना है। मैं और अंकित दोबारा आ जाएंगे, अंकित तो वैसे रात को आएंगे, मैं अब सुबह ही आ सकती हूँ, रात को दोबारा नहीं आ सकती। तो जैसे भी जो भी होता है मैं आपको घर जाके पूरी अपडेट देती हूँ, अभी मैं निकलती हूँ घर के लिए। ठीक है मम्मी, ऑल द बेस्ट, बाय, ध्यान रखना, चलो चलो बाय करो, बाय दादी। क्या कर रहे हो, आपकी शूज संभाल के जा रही है, ठीक है, कहाँ रखने हैं? ओहो बाय मेरे गुद्दू बाबा, नीचे मंदिर में ही मत्था टेक के आई है, शूज आपके दोनों इकट्ठे करके नीचे रख दिए।
मंदिर में भी मत्था टेक के आई है। भगवान जी मेरी दादी को जल्दी ठीक कर दो। कब लेने आओगे दादी को? दादी को कब लेने आओगे बोलो? सुबह 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 लेने आना मेरे घर के लिए। तो जैसे कि आपको पता है मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होना हो ये बहुत अच्छा होता है। मम्मी को प्राइवेट रूम मिल गया है, प्रॉपर अच्छा खासा रूम है, बस चल रहे हैं। और सारी फैसिलिटीज भी मिली है, लाइक कॉम ब्रश और ये सारी चीज़ें मम्मी को दी हैं। और फिर मैं मम्मी यही सोच रहे थे कि जो भी रात को रुकेगा अंकित या मैं, वो उस छोटे से, खैर मैं तो रुक नहीं सकती सीरत है, तो मैंने कहा उस छोटे से गद्दे में कैसे सोएगा। बट बाद में हमें पता चला कि ये रूम भी कनेक्टेड है और ये अटेंडेंट का रूम है, तो ये प्रॉपर डबल बेड है, चेयर है, पर्सनल वॉशरूम है, तो ये प्रॉपर एक अटेंडेंट का रूम है। तो वैसे तो हम प्रीति दी की वजह से रुके हुए थे, वो मना करके गई थी कि ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं कराना, बट मम्मी को अगर सीवियर पेन अभी तो ठीक है, बट अगर दोबारा होगा तो फिर हमें कराना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हम 16 तारीख को वापस आएंगे, तब तक रुक नहीं सकते। जैसा भी जो भी होता है अब सुबह ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इंजेक्शन है, मम्मी को नॉर्मल फील हो रहा है। तो बस मैं निकलती हूँ घर, बाकी रात की अपडेट आपको अंकित देंगे, क्योंकि रात की विजिट अंकित की है। चले दादी के बिना रह लोगे? हैं नहीं रह पाएगा तो यही रख जा दादी के साथ, वो छोटू बैद आपका है। दादी मेरे साथ घर चलेगी, कल लेने आएंगे दादी को, ठीक है? ठीक है बोलो दाए, बाय दादी, टेक केयर। तो मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल से, बहुत ही इमोशनल इमोशनल सा फील होता है, बेशक एक ऑपरेशन है बट बहुत रोना सा आता है। बट मैंने बिल्कुल भी शो नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसे किया ना, मम्मी तो वैसे बीपी पेशेंट है, वो तो वैसे हिम्मत आ जाएगी। चलो तो बस मैं चुपके से यहाँ से निकल रही हूँ, वरना मैं रो पड़ूंगी। तो गाइज मैं घर पर आ गई हूँ, और घर पर आके मैंने एक चाय पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा मेरे भरे भरे बोल रहे, बिजी चल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं आज भी सुबह सोई थी लेट, और लेट क्या 4 बजे जॉब करके सोई थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ये गंद मत मचाओ ना बेटा, अब मत देना। उसके बाद दोपहर में बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि सीरत का काम था, अपना काम था, मम्मी को एडमिशन कराने जाना था हॉस्पिटल में। मक्का बहुत स्पाइसी है, तो बस यही था। अब 6:30 मम्मी को छोड़ के आई हूँ, आते ही लॉगिन किया है, क्योंकि 7 बजे की जॉब है। उसके बाद अब जो मेरा ब्रेक आया पहला, वो 9:30 है, और अंकित घर आते हैं 10:30। लेकिन मुझे सब्जी लेने जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है घर में। वैसे तो सब्जियां हैं, बट जो मेन इंग्रेडिएंट होता है प्याज और लहसुन, वो दोनों चीज़ें ख़त्म है। तो अब एक हाथ में इसको टांगूंगी और एक हाथ में सब्जी का थैला टांगूंगी, फिर मैं जाऊंगी सब्जी लेने के लिए, और सब्जी लेके आऊंगी, फिर जॉब करूंगी। सुबह 4 बजे जॉब खत्म है, 8 बजे डॉक्टर ने बुलाया है। तो मैंने जो सोचा है वो ये है कि मैं 4 बजे आने के बाद ना, मैं 4 बजे जॉब खत्म होने के बाद ना, मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गई ना, फिर उठने के बाद जो वो नींद होती है ना, वो बहुत ही गंदी होती है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत इरिटेशन हो रही होती है। तो मैं सोऊंगी नहीं, मैं बर्तन वर्तन किचन के करके, किचन विचन साफ करके, ब्रेकफास्ट वगैरह बना के 7 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाऊंगी, और फिर अंकित और सीरत को उठाऊंगी, ये दोनों भी रेडी हो जाएंगे। 8 बजे हमें एनिया हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि 99% है कि मम्मी की सर्जरी है सुबह 8:30। बाकी अभी डॉक्टर ने बोला है 8 बजे तक कंफर्म बता देगा, रात के 8 बजे तक। वैसे 99% उसने बोला है, और एडमिशन भी कराया है उसने, लाइक रूम वगैरह भी अलॉट किया, विच मीन्स है। तो बस अभी देखते हैं क्या करना है, मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं इस वाले ब्रेक में जाऊंगी सब्जी मार्केट, जो मेरा दूसरा ब्रेक होगा उसमें मैं बनाऊंगी खाना अपने और अंकित के लिए। मुझे तो ऐसा भूख है नहीं इतनी, क्योंकि मैंने आती चाय पी के 2-4 रस खा लिया है, बट बनाना है, क्योंकि सीरत को भी खाना होता है। और सुबह मेरा वैसे दिन बिजी निकलेगा बिना सोए, तो बहुत 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 हैक्टिक होने वाला है मेरा टाइम, बट मैनेज करना पड़ता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, बिकॉज नींद वींद तो होता ही रहता है, बट फैमिली कम्स फर्स्ट। तो बस यही सब है, अब इसको भी मैनेज कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, खाना भी बनाऊंगी और बाजार भी जाऊंगी, बस यही सब चलेगा। आपको कुछ बोलने की चीज़ें? मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई करता है गाइस, बहुत इंटेलिजेंट है। आपको तो पता है मैं के पढ़ने में इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी पढ़ने में इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ क्योंकि महान जी ने आते थे बचपन में, मैं भी छोटी होती थी, और मेरे पापा मम्मी और मेरी दादी भी और मेरी पहली दीदी भी और किरण भी। तो पढ़ने में इतनी मेहनत क्यों करते हो आप? क्योंकि गाइस अभी हम नाम ना जब बड़े ही देखो दीदी या देखो बच्चा है। दादी के बारे में बताया सबको? दादी का है?
दादी ऊपर ऊपर देख के बताओ, कैमरे में देख के बताओ सारे गाइस को, दादी है जोर से है हॉस्पिटल। क्यों छोड़ के आए हॉस्पिटल? क्योंकि दादी का, मैं दादी का सुई लग रही ना। सुई लग रही है? हाँ। अच्छा ठीक है, दादी को मिस कर रहे हो? हाँ। गाइस को बोल दो मेरी दादी के लिए अरदास कर दो, बोल दो सबको। अरे मैं अभी डॉक्टर के मंजिल में उनको बताते क्या हूँ बोल रही हूँ। अच्छा तो गाइस ये बोल रही है कि किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी डॉक्टर के हॉस्पिटल में जो मंदिर है उसमें मत्था टेक कर आई हूँ, और बाकी वो पढ़ाई कर रही है, दादी को मिस भी कर रही है। और जाने से पहले इसकी और दादी की लड़ाई हुई थी, इनकी लड़ाई हर 10 मिनट में होती है, और पर प्यार भी उतना ही है। तो बस अब ये दादी गई थी तब लड़ाई हुई थी, तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने कैनोला लगाने के लिए मम्मी को सिरिंज घुसाया, और मम्मी कह रही आई 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 आई, कह रही आया मजा और लगाओ इनको, आया मजा। तो मतलब बच्चे भी अलग ही होते हैं। बाकी टाइम काटना मेरा भी बहुत मुश्किल है, और हॉस्पिटल में मम्मी का भी होगा, बिकॉज क्या होता है ना, अंकित सुबह सुबह चले जाते हैं, मैं मम्मी सीरत हम इस बेड पे हम तीनों ही पड़े रहते हैं, पूरे दिन लड़ाइयाँ होती हैं, इन दोनों की लड़ाई होती है, मैं तो सुलझाने में ही काम आती हूँ। तो बस वही है क्योंकि पूरा दिन एक ही रूम में स्पेंड करते हैं, और अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मम्मी पता नहीं कब वापस आएगी। डॉक्टर ने बोला था इन केस अगर ऑपरेशन होता है तो फिर 7 to 8 days, अदरवाइज तो फिर अगर ठीक उनको फर्क पड़ेगा तो कल सुबह ही आ जाएंगी। हाँ उतार दो, आपने दो पहनी हुई है, उतार दो। तो बस अब मैं अपना काम करती हूँ और बाकी आपको बताती रहूँगी जो भी जैसा भी होगा।